Hello friends, welcome to the lecture series of mechanical drafting. In this video, we will learn about the development of surface. आज की इस वीडियो के अंदर हम सरफेस डेवलपमेंट का एक और एग्जांपल सॉल्व करने वाले हैं. तो चलिए देखते हैं कि इस तरह का जो प्रॉब्लम है, यहाँ पर हमको इस प्रॉब्लम के अंदर एक प्रिज्म दिया हुआ है. तो प्रिज्म का डेवलपमेंट किस मेथड से ड्रॉ करना है वो हम इस प्रॉब्लम के अंदर, इस वीडियो के अंदर सीखने वाले हैं. द प्रॉब्लम इज गिवन हियर, ड्रॉ द डेवलपमेंट ऑफ लैटरल सरफेस पी ऑफ द हेक्सागोनल प्रिज्म एज शोन इन दिस डायग्राम. यहाँ पर लैटरल सरफेस का मीनिंग होता है कि जब आप प्रिज्म को सरफेस डेवलप करते हो तो उसका टॉप और बॉटम सरफेस को आपको निकाल देना है. उसके बाद जो सरफेस प्रिज्म की बचती है उसे हम बोलते हैं लैटरल सरफेस. अब यहाँ पर कुछ कटिंग दिए हुए हैं, जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है कि हमको हेक्सागोनल प्रिज्म का फ्रंट व्यू दिया हुआ है. इस फ्रंट व्यू के अंदर तीन कट लगाए हुए हैं. नीचे दो जो कट आपको दिख रहे हैं वो 30 डिग्री एंगल पर है और ऊपर एक सर्कुलर आर्क शेप में कट दिया हुआ है. इन कट को रिमूव करने के बाद जो आपकी सरफेस बच रही है, जिसे हमने पी नाम दिया है, उस पी सरफेस को हमें डेवलप करना है. यहाँ पर हमको जो हेक्सागोनल प्रिज्म है उसके डायमेंशंस दिए हुए हैं. हाइट है 70 mm और उसकी साइड का हमको डायमेंशन दिया हुआ है 30 mm. तो चलिए देखते हैं इस तरह के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है. सबसे पहले हम एक्स वाई लाइन ड्रॉ कर लेंगे. एक्स वाई लाइन ड्रॉ करने के बाद हेक्सागोनल प्रिज्म का हमें बनाना है टॉप व्यू. जैसा कि आपको दिख रहा है कि यहाँ पर हमको साइड पैरेलल टू एक्स वाई लाइन बनानी होगी और उसके बाद इसके प्रोजेक्शंस ऊपर एक्सटेंड करने हैं और उसकी मदद से हम इसका फ्रंट व्यू ड्रॉ करेंगे. यहाँ पर हमको डायमेंशन दिए हुए हैं, जो हेक्सागोनल आपका शेप है उसकी साइड का डायमेंशन 30 mm दिया हुआ है. इसके बाद हमने सेंटर लाइन से एक्सिस को ड्रॉ कर लिया है और हाइट 70 mm लेकर हम इस हेक्सागोन का फ्रंट व्यू भी ड्रॉ कर देंगे. यहाँ पर जो इसका टॉप व्यू है, इसके हर पॉइंट को हम नाम दे देते हैं ए बी सी डी ई और एफ. अब ये सब लाइन को हम एक्सटेंड करेंगे और 70 mm हाइट तक इसको ड्रॉ करके इसका फ्रंट व्यू रेडी करेंगे. 70 mm हाइट पर एक लाइन ड्रॉ कर दी है और इसका टॉप व्यू हमने ड्रॉ कर दिया है. ए डैश बी डैश, बी डैश के साथ और एफ डैश पॉइंट दोनों एक ही पॉइंट पर आएंगे. सी डैश ई डैश एक ही पॉइंट पर आएंगे और डी डैश. तो हमारा रेक्टेंगल कुछ इस तरह बनेगा. इसके बाद जो हमको कट दिए हुए हैं वो हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है. जैसा कि नीचे दो 30 डिग्री एंगल पर कट दिए हुए हैं और ऊपर एक सर्कुलर आर्क फॉर्म में कट दिया हुआ है. तो उसी डायमेंशन से हम उसका हाफ एंड पॉइंट से एक्सिस के सेंटर तक डायमेंशन लेकर हम आर्क को ड्रॉ कर लेंगे और इस शेप को हम कंप्लीट कर देते हैं. अब इसके बाद क्या करना है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हेक्सागोन की एक साइड है उसका डायमेंशन 30 mm आपको दिया हुआ है. तो जब इस सरफेस को हम अनफोल्ड करेंगे, यानी कि इसको जब हम डेवलप करेंगे, तो एक साइड का माप है, एक साइड का डायमेंशन 30 mm है, वो हेक्सागोन होने की वजह से 6 times मल्टीप्लाई होगा. यानी कि आपकी जो पूरी लेंथ बनेगी डेवलपमेंट की वो बनेगी 30 × 6 यानी कि 180 mm और हाइट तो 70 mm ही रहेगी. तो हम 180/70 का एक यहाँ पर रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेंगे. जैसा कि आप देख सकते हो कि हमने 6 रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिए हैं और हर रेक्टेंगल 70/30 mm का है. यानी कि टोटल हमारी जो विड्थ हो गई, लेंथ हो गई, वो 180 mm है और हाइट होगी हमारी 70 mm. और इस पॉइंट्स को भी हम नाम दे देते हैं ए बी सी डी ई एफ और फिर से आएगा ए पॉइंट. क्योंकि ए पॉइंट से हमने प्रिज्म को अनफोल्ड किया है तो दोनों साइड जो एज आएगी वो ए वाली ही एज आएगी. ठीक है. अब दोस्तों हमको यहाँ पर जो कटिंग पॉइंट मिल रहे हैं उस कटिंग पॉइंट का हमें प्रोजेक्शन लेकर उसे इस डेवलपमेंट के अंदर हमें मार्क करना है और उसके बाद हमें कर्व ट्रेस करना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. हमको जो सबसे पहले नीचे कट दिए हुए हैं, जो 30 डिग्री पर हमको दो एंगुलर कट इस तरह मिल रहे हैं, उसके पॉइंट्स को हम मार्क कर लेते हैं. जो हमारा पहला पॉइंट है वो ए के ऊपर आएगा, सेकंड पॉइंट उसके बाद है वो बी और एफ की लाइन पर आएगा,
और सेम सिमेट्री होने की वजह से ई और सी भी सेम ही लाइन के ऊपर आएंगे। अब इसका हम सेंटर पॉइंट मार्क कर रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बी और सी के बीच में आपको एक मिडल पॉइंट मिल रहा है, और इसी तरह ई और एफ पॉइंट के बीच भी आपको एक मिडल पॉइंट जो टॉप पर मिल रहा है। इससे मार्क करने के लिए हम एक वर्चुअल लाइन यहाँ पर बनाएंगे। बी और सी के बीच हमने एक डॉटेड लाइन बनाई है, सेम इसी तरह ई और एफ के बीच में भी हमें सेम लाइन बनानी होगी, और वहाँ पर टॉप वाला पॉइंट को हम प्रोजेक्ट कर देंगे। इसी तरह कनेक्ट करने के ऊपर हमें कुछ इस तरह का कर्व मिल रहा है। अब इस कर्व को हम सेम इसी तरह का कर्व डी ई एफ ए एरिया के अंदर भी आएगा, क्योंकि ये जो हमारा सॉलिड है हेक्सागोनल प्रिज्म, ये सिमेट्रिकल है। तो सेम इसी तरह इस पॉइंट को हम एक्सटेंड करेंगे और यहाँ पर भी सेम कर्व को ट्रेस करेंगे। देखिए हमने किस तरह पॉइंट मार्क कर दिए हैं, और इस पॉइंट को हम स्केल से कनेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन होता है, इस पॉइंट को हम स्केल से कनेक्ट करेंगे या फ्री हैंड से। तो यहाँ पर हमको एक पॉइंट याद रखना है, जब हम कोई भी प्रिज्म या पिरामिड को कटिंग करते हैं तो वहाँ पर हमें पॉइंट स्केल से कनेक्ट करने होते हैं, लेकिन वहाँ पर हमने सर्कुलर कट या आर्क कट किया है तो हम फ्री हैंड का यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज हमको स्केल से पॉइंट कनेक्ट करने होते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, हमारा जो नीचे का कट था 30 डिग्री एंगल पर जो दो कटिंग दिए हुए थे वो हमने ऑलरेडी ट्रेस कर दिए हैं। अब हम बात करते हैं ऊपर के सर्कुलर जो हमको आर्क दिख रही है उसे हमें कट करना है। तो जो सर्कुलर आर्क है उसके पॉइंट्स हमें मार्क कर देना है। देखो नीचे वाला जो हमने पोर्शन था उसे निकाल दिया है, पी पोर्शन की बात कर रहे हैं। देखो सर्कुलर आर्क के लिए सबसे पहले हमने जो पॉइंट लिया है वो ए एज के ऊपर लिया है, उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है वो बी और एफ के ऊपर आएगा, और जो लास्ट पॉइंट है उसका टॉप वाला वो हमारी सेंटर जो हमने डमी एक्सिस ड्रॉ की है उसके ऊपर हमारा पॉइंट आएगा। इन पॉइंट को हम ड्रॉ करेंगे, इन पॉइंट को हम कनेक्ट करेंगे फ्री हैंड के साथ, यानी कि एक कर्व आएगा वहाँ पर, हमको स्केल से ज्वाइन नहीं करना है। तो जब हम इसे फ्री हैंड से ज्वाइन करेंगे तो हमें कुछ इस तरह का कर्व मिलेगा। सेम इसी तरह का कर्व हमको लास्ट वाले पोर्शन के अंदर भी मिलेगा, तो इसे भी हम ट्रेस करके इस तरह कनेक्ट कर सकते हैं। अब आपको क्वेश्चन के अंदर जो पी पोर्शन है उसका लेटरल डेवलपमेंट पूछा गया है, तो पी पोर्शन क्या है? कमर नीचे का कटिंग और ऊपर का सर्कुलर आर्क है, उसे हम रिमूव करने के बाद जो सरफेस हमारे पास बाकी रहती है उसका डेवलपमेंट हमें ड्रॉ करना है। तो सिंपली हम क्या करेंगे कि हमको जो बीच का पोर्शन पी दिख रहा है उसके बाउंड्रीज को हम डार्क कर देंगे, और बाकी का पोर्शन उसे हम लाइट रखेंगे। हमको यहाँ पर इरेज नहीं करना है, लेकिन हमको वो बाकी का पोर्शन है वो लाइट रखना है। तो आपको डायग्राम कुछ इस तरह मिलेगा। ये आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ गया। जब भी आपके पास कोई हेक्सागोनल, पेंटागोनल, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर प्रिज्म का क्वेश्चन आता है तो आप इस मेथड का यूज़ करके उसे सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।